तो ये एन्यूप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी का एक अलग केस था। एन्यूप्लॉयडी को बोला था ये एनिमल में होगा, पॉलीप्लॉयडी कहां होगा? प्लांट्स में होगा। चलो, जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो ये दो तरीके से, एक क्या तुम्हारे पास था मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्या था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे वो एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, क्योंकि यहां पर जो डिजीज रखेगा मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। फर्टाइल का उसके बच्चे होंगे, जबकि स्टेराइल है तो मतलब बच्चे नहीं होंगे। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो इसका नॉन हेरिटेबल यानी आगे जनरेशन में जाएगा ही नहीं। ये सिंगल जीन हमने बोला था जब एक कुल जीन में चेंज है तो भैया ठीक है, ये अगली जनरेशन पैदा भी होगी लेकिन थोड़ी बहुत डिजीज होगी चल जाएगा। लेकिन नेचर को लगा ये यार अगर पूरा क्रोमोसोम गड़बड़ कर दिया हमने, इसी को बोल सकते ऊपर वाले की मर्जी भाई, गड़बड़ यहां अगर तुम्हारी क्या हो रही है कैरोकाइनेसिस, तू समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब ऊपर वाले की मर्जी थी, जो गड़बड़ होना था हो गया, उसमें क्या कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम में ही चेंज हो जाए, एक घट जाए एक बढ़ जाए, सोचो अगर तुम एक क्रोमोसोम के बिना होते तो पता नहीं तुम्हारे शरीर के कितनी जीन इनएक्टिव होती और कितने करेक्टर ही एक्सप्रेस न कर पाते। तो मतलब क्या तुम्हारे होने का, अच्छा है इसके बाद जनरेशन ही नहीं है, बात समझ में, इसके बाद क्योंकि अगले में फिर से वो जनरेशन क्या होगी, वो करेक्टर वो बिना क्रोमोसोम के ट्रांसमिट करेगा, तो अच्छा है कि उसको क्या कर दिया गया, स्टाइल बिना बच्चों के कर दिया गया, क्योंकि क्रोमोसोम के बिना जाएगा यानी वो अगली पीढ़ी को क्रोमोसोम, इसमें तो कम से कम ये है कि वो जीन नहीं है, हो सकता मदर की तरफ से मिल जाए, या फिर चली भी जा रही है तो हो सकता है बहुत बड़ा ब्लंडर ना होने पाए, जीवन तो चली जाएगा उसका, थोड़े बहुत डिजीज रहेगी चलेगा। तो कहने का मतलब है मेंडेलियन डिसऑर्डर तुम्हारा ट्रांसमिट होगा और इनहेरिटेबल इसका मतलब, और क्या होगा स्टराइल होगा इसमें, और सिंगल जीन में म्यूटेशन होगा, चेंज इन सिंगल जीन, सिंगल जीन हो सकता है डिलीट हो या तो इंसर्ट हो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये तुम्हारे पास हो गया। एग्जाम्पल की बात कर ले तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में एग्जाम्पल भर भर के तुमने याद की थी, एग्जाम्पल की बात करते हो तो इसमें कौन सा तुम्हारे पास, हाँ पहली बात क्या हो गया सीकल सेल एनीमिया, फिर इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, फिर इसके बाद तीसरे में हीमोफीलिया फिनाइल क्यूटोनीरिया। तो ऐसी तीन डिसऑर्डर हैं जिनको हम लिख रहे हैं यहां पर एग्जांपल में, जो क्या कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल को पढ़ा रहे हैं। यहां पर एग्जांपल तुमने किसको पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे और तीसरा नंबर पे टर्नर सिंड्रोम।